रक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मुरलीगंज के डीईओ को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि इस कार्रवाई से वो मिसाल पेश करना चाहते हैं कि जिससे भी कोई भी अधिकारी इस तरह का काम ना करे। शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 के माध्यम से अपील भी की कि बहाली में घूस मांगने वालों को बेनकाब करें। इस मामले को हम एक मिसाल के तौर पर बताते हुए बिहार के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि शिक्षक नियोजन में जहां भी इस तरह की शिकायत भ्रष्टाचार की या गड़बड़ी करने की किन्हीं को भी मिलती है, केवल शिकायत करने से पहले उसकी सत्यता जरूर परख लें। अगर सही शिकायत होती है तो कार्रवाई निश्चित विभाग करेगी। ये हम पूरे प्रदेश के लोगों को और सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं। बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 के खबर के बड़े असर की। मधेपुरा के मुरलीगंज डीईओ को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 के बड़े खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद मधेपुरा के मुरलीगंज डीईओ को निलंबित किया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निलंबित किया है। 8 लाख घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, जल्द ही FIR दर्ज करने की भी कार्रवाई हो सकती है। जांच में घूस मांगने के आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था, वो वायरल ऑडियो जो है वो भी हमने दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री ने डीईओ को निलंबित कर दिया है। द्वारा जिला पदाधिकारी ने भी पुष्टि की है, उनके आवाज की भी पुष्टि की है और उनके गलत आचरण की भी पुष्टि की है। इन सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है कि उनको निलंबित किया जाएगा और आगे भी पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश देखिए, निलंबित कर दिया गया है, ये तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर, लेकिन ये बताइए कि ऑडियो वायरल होने के बाद अब कुछ और भी जानकारी मिल पाई है? जो बातचीत हो रही है उसमें क्या अभ्यर्थी के बारे में पता चल पाया, कहाँ का रहने वाला था, ये जो लेन देन की बात चल रही थी किस मसले पर चल रही थी? देखिए, राज्य में अभी छठे चरण की शिक्षक बहाली चल रही है, 94,000 सीटों पर बहाली होनी है और दूसरे चरण की काउंसलिंग खत्म हो गई है। अब जैसे तीसरे चरण की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जो मधेपुरा के मुरलीगंज के भोजपुर बीईओ सूर्य प्रसाद यादव, इन्होंने एक काली करतूत जो है हरकत की है और उसके बाद सरकार की छवि जो है बदनाम हुई है। उस ऑडियो को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया है। उस ऑडियो में जिस तरह से वो एक दबंग अधिकारी की भूमिका में नजर आ रहा है कि उन्होंने बीओ रहते हुए अपने सगे संबंधियों को शिक्षित बना दिया, जहां वो चाहते मचा वो शिक कराते थे, सीएम हाउस से लेकर शिक्षा विभाग तक जो है उनकी पकड़ थी और जितना पैसा चाहते थे वो देकर पूर्ति कराते थे। तमाम ऐसी बातचीत है और न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया है। शिक्षा मंत्री कल ही संज्ञान दिया था खबर को और डीओ मधेपुरा को जांच का आदेश दिया था। डीओ मधेपुरा ने पूरे ऑडियो के साथ साथ मिलकर वीडियो बुलाकर उसके बाद मामले की छानबीन की, जांच की, उसमें घटना को सत्य पाया गया है और डीओ के खिलाफ अभी सत्यासत्य कार्रवाई हुई है। लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भरोसा दिया है कि जल्द ही आगे कठोर कार्रवाई होगी। यानी इस तरह उन्होंने कहा कि शेयर देना पड़ता है। अभ्यर्थी से बातचीत में 8 लाख की घूस मांग रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास लगातार वीडियो पूरा पहली आ रही है, मुरलीगंज की उनके कैंडिडेट भी है, डीओ को शेयर देना पड़ता है, जो अधिकारी है उनके दल में भी आ सकते हैं, जांच की जो जल्द में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा आरोप है और ये संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। की बात सरकार करती है, करप्शन की बिहार बनाने की बात करती है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनकी वजह से जो अभ्यर्थी है जो बेरोजगारी का दर्द दे रहे हैं उनसे 8 लाख रुपए रिश्वत मांगे जाते हैं। भला है उसमें सिस्टम पर एक जो बदनुमा दाग लगा है उसको कहीं ना कहीं भरपाई करना, उसको साफ करना, इसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में आज सफाई की कार्रवाई की बहुत सही जा रही है कि बीओ जो है खेल जा सकते हैं। जी शुक्रिया।
जी रजनीश, जैसे कि निलंबित अभी किया गया है, इसके बाद क्या विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं, और अगर जांच होता है तो किस स्तरीय जो पदाधिकारी अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और जांच करेंगे? देखिए, 20 सितंबर तक माना जा रहा है कि वरीय अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे, क्योंकि कई अधिकारियों का उन्होंने नाम लिया है। बताते मुरलीगंज के वीडियो का भी उन्होंने नाम लिया है कि वीडियो साहब के लिए कई निर्देश है, दो लगातार फेरी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट को भी आप शिक्षक बनाइए। और 3 लाख से लेकर 8 लाख तक का सौदा करते हैं ये वीडियो साहब, जिसमें वीडियो तक को शेयर देना पड़ता है। ये पूरे मामले की जांच होगी और उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद इसमें कई जो है बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारी जल्द में आएंगे और कठोर कार्रवाई होगी, उस चेहरा बेनकाब होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मुरलीगंज के डीईओ को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि इस कार्रवाई से वो मिसाल पेश कार्रवाई निश्चित विभाग करेगी। ये हम पूरे प्रदेश के लोगों को और सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं। और सर प्रेस द बेल आइकन ऑन बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 के खबर के बड़े असर की। मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 के बड़े खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ को निलंबित किया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निलंबित किया है। 8 लाख घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, जल्द ही FIR दर्ज करने की भी कार्रवाई हो सकती है। जांच में घूस मांगने के आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था, वो वायरल ऑडियो जो है वो भी हमने दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री ने बीईओ को निलंबित कर दिया है। द्वारा जिला पदाधिकारी ने भी पुष्टि की है, उनके आवाज की भी पुष्टि की है और उनके गलत आचरण की भी पुष्टि की है। इन सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है कि उनको निलंबित किया जाएगा और आगे भी पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए निलंबित कर दिया गया है, ये तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर, लेकिन ये बताइए कि ऑडियो वायरल होने के बाद अब कुछ और भी जानकारी मिल पाई है? जो बातचीत हो रही है उसमें क्या अभ्यर्थी के बारे में पता चल पाया, कहां